सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं धान के फसल से संबंधित कई वीडियो डाल रहा था, कई रोगों से संबंधित। तो चलिए अब आपको मैं लिए चलता हूँ अपने धान के खेत की तरफ। अभी क्या स्थिति है ये देखिए। सुधा धान की फसल हमने लगाई है और अभी ये पकने के कगार पे है। लगभग ये लगभग रखिए कि अभी 15 दिनों में ये तैयार हो जाएगा। 15 से 20 दिन और लगेंगे, क्योंकि इसका जो औसत अवधि है तैयार होने की वो 150 से 160 दिन होता है और अभी हल्का पकना शुरू हो गया है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अपने धान के फसल को यहाँ तक पहुँचाने में, अभी जो आप इसमें अच्छी धान देख रहे हैं जिससे मन खुश हो जाता है, तो यहाँ तक आने में हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सोच के ये वैरायटी लगाया, चूँकि हमारी निचली ज़मीन आती है उसमें गारंटी नहीं रहता है कि कब पानी ज़्यादा रहेगा कब कम रहेगा, इसलिए हमने एक वैरायटी चुनी निचली ज़मीन के लिए सुधा, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ रिसर्च किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हमें सुधा लगानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे हमने सुधा किस्म को चुना। पहला, ये निचली ज़मीन के लिए प्रयुक्त है। दूसरा, तैयार होने की इसकी अवधि 150 से 160 दिन है। औसत उपज इसकी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और नर्सरी लगाने के लिए बीज दर आपका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज गिराने का प्रयुक्त समय है आपका मार्च से अप्रैल महीने में आप गिरा सकते हैं। और अब नर्सरी तैयार होने में 25 से 30 दिन बाद आप इसका रोपण कर सकते हैं। धान का रोपनी जो मुख्य खेत है उसमें लगा सकते हैं। और रोपने के समय पौधे से पौधे की दूरी आप 20x15 सेंटीमीटर रखें। तो ये कुछ जानकारी थी जिसके बेसिस पर हमने सुधा किस्म को चुना। दोस्तों, जैसा आप रोपनी कराते हैं धान का, वैसा ही हमने अपने धान का रोपनी कराया। और रोपनी के बाद क्योंकि घास कुछ देखने को मिलते हैं तो हम उन्हें उसे 10 दिन बाद ही वीडिसाइड से स्प्रे किया, जो अनवांटेड प्लांट हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और आप धान में देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसमें क्या क्या खाद मैंने उपयोग किया, तो ये सारा वीडियो मैं डाला हुआ, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए वीडिसाइड के उपयोग से कैसे अनवांटेड प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मेड पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर है, ये दूसरे का खेत है, हमारे खेत का नहीं है ये। हाँ, इधर देखिए ये डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये आपका लगभग 20 दिन बाद का पौधा है, काफ़ी हरा भरा है और अभी पानी कम है, पानी है लेकिन कम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें पानी बढ़ा फिर कम हुआ, ऐसे चलता रहा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा खेत निचली ज़मीन में आता है और अभी तक देखने में अच्छा रहा। और अभी तक मतलब कोई ऐसा बीमारी देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद ही इसमें कुछ तना छेदक का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सूखने लगा। तो हमने जब गौर से देखा तो इसके जड़ में जो देखें जो सूखा हुआ है गाभा, उसको निकाल के चेक किया तो उसमें तना छेदक था। तो तना छेदक का भी क्या ट्रीटमेंट है वो भी मैं वीडियो में डाला हुआ, इस चैनल में आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तना छेदक से हम कैसे निजात पाए, जिसका कि असर हमें अपने खेत में देखने के लिए मिला। तो तना छेदक से जब निजात हम पा गए, ये देखिए इसमें काफ़ी सारा इफ़ेक्ट था तना छेदक का, लेकिन इसे काफ़ी आसानी से दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल कर लिया गया। अभी देखिए हमारा धान गाभे में आ गया था। तो इस समय जब गाभे में फसल आ जाता है तो उस समय गंधीबग कीट का अटैक देखने के लिए मिलता है, हमारे खेत में भी देखने के लिए मिला। और उसे हमने कैसे कंट्रोल किया वो भी वीडियो में दिया गया है, हमने अपलोड किया है और आप हमारे यूट्यूब चैनल में उसे देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो ये देखिए वीडियो में दिख रहा है कि गंधीबग कीट है। तो इसे बचाव के लिए हमने क्या किया, इसके समय जब गंधीबग कीट आपके धान के फसल में अटैक करें तो आप भूल कर भी स्प्रे ना करें। ये पाउडर, कौन सा पाउडर का हम छिड़काव किया है हमने, ये आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये भी डिटेल में डाला है। तो ये एक उपाय है जो कि आपको करना है।
गंधी को कीट से बचाने के लिए। इसके अलावा आप रेगुलर चेकिंग करें अपने खेत का कि किस अवस्था में है, कोई कीट और तो लग नहीं रहा, क्योंकि कई तरह के कीट पतंगे हैं जो कि आपके धान के फसल को क्षति पहुंचाते हैं, जिसमें हरा मधुआ है, भूरा मधुआ है, गंधी बग है, इस तरह के कई कीटे हैं और कई अन्य बीमारियां हैं जो आपके धान के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपने वैज्ञानिक तरीके से खेती की और आपने सबको बचा लिया इन सारे, क्योंकि आप बीमारी जानेंगे तो आप बचा ही सकते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उसे इलाज पता हो तो, क्योंकि वो बीमारी जानते हैं, तो क्योंकि आप किसान हैं तो आपको बीमारी का इलाज आना चाहिए, बीमारी को पहचानने और इलाज आना चाहिए। तो अगर आप बीमारी से बचा लेते हैं तो आपकी फसल अच्छी होगी। आप एग्जांपल के लिए मेरा ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लद गया है, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छी इस बार फसल होगी। तो आप भी हमारे YouTube चैनल में जो वीडियो दिए गए हैं किस तरह के आप धान की फसल लगाते हैं, किन किन बीमारियों से आपको रक्षा करना है, अगर आपने बचा लिया तो आपकी अच्छी उपज होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और मौसम के मार का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मौसम अनुकूल रहा तो आप काफ़ी अच्छा फसल उगा सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर करें।